सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विद्या मंत्र को और दबाइए बेल आइकन ताकि आगे से आपको हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। मैं बहुत दूर यानी बिहार से लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके आज हम दिल्ली पहुंचे हैं। जस्ट इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर हम सीधे गौरव यादव से बात करेंगे, जिनका कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मेंशन हो चुका है और साथ यही बताया था कि इसका फैसला अगले हफ्ता आ जाएगा। दोस्तों मैं आज दिल्ली आया हूँ और विद्या मंत्र खास बातचीत करेगा आज सीधे गौरव यादव जी से। उम्मीद करूँगा आप इसको पूरा देखिए। चलिए बात करते हैं सीधे गौरव यादव जी से। साथियों मैं बिहार से लगभग 1300 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ दिल्ली, जहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ सीधे गौरव यादव जी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था सुप्रीम कोर्ट से और यह बताया था कि जो हमारा मामला है समान काम समान वेतन का, वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हो चुका है। लेकिन बिहार में इसको लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, साथ ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बस एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कि एक शिक्षक संघ दिखा रहा है और मात्र एक शिक्षक गुमराह कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम सीधे बात करेंगे गौरव यादव जी से, जिन्होंने इसको मेंशन करवाया था। स्वागत है जी गौरव यादव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इतने दूर से हमसे मिलने के लिए आए और अफवाहों को सही बताने के लिए जो है, जो अफवाह नहीं है इसके लिए हम आभारी हैं कि आप बिहार से आप हमारे पास दिल्ली आए, इतनी दूरी यात्रा की है। सर ये जो बात सुनने में आ रही है कि आपने मेंशनिंग करवाया, सर थोड़ा बताइए मेंशनिंग कैसे करवाया आपने? देखिए जी, मेंशनिंग का जो एक शब्द है उसी में लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक मेंशनिंग होती है, एक ओरल मेंशनिंग होती है। जब कोई मैटर बहुत ही अर्जेंट कैटेगरी का होता है तो उसको मेंशन किया जाता है, जिसका पेपर बुक जो है संबंधित रजिस्ट्रार को दिया जाता है और अपोजिट पार्टी को दिया जाता है, फिर उसके बाद वो माननीय कोर्ट को लंच के बाद में सुनवाई के लिए लग जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप फिर बात दूसरे तरफ चली जाएगी, तो जो लोग बता रहे उस प्रकार की मेंशनिंग को बता रहे हैं। ये सत्य है कि उस प्रकार की मेंशनिंग करने के लिए हमको सभी पक्षों के वकीलों को उसके पेपर बुक और कुछ देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं बहुत ही बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उसके साथ भी उसमें ओरल मेंशनिंग का भी फॉर्मेट है। इसमें मेरी बात सुन लीजिए माननीय पत्रकार महोदय, इस चीज़ में जो है जब हमें मेंशनिंग करना था तो मैं 2 बजे कोर्ट के सामने गया और वहाँ गया तो और संघ के अधिवक्ता लोग आ गए थे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आपने बता दिया राज्य सरकार को, हमने कहा बता तो गए थे, उनको बता गया, वो बदल गए हैं रोकेट आने का, दूसरे को बताइए। तो ये मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि मेरा उस समय मैं दिग्भ्रमित हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कम हो गया। मैं सोचा कि अगर नहीं बताता हूँ तो मुझे कोर्ट से डांट खानी पड़ सकती है, इसलिए मैं भागा लाइब्रेरी 2 में गया, नंबर खोजने लगा संबंधित एओआर का, नहीं मिला। फिर मैं कहा कि मैंने आनंद मिश्रा को, शालिग्राम दुबे को, आपके शमशेर बहादुर सिंह को दिया, कह दिया है और लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि कल हमारे अधिवक्ता मेंशन करेंगे, तो मेरे सामने भी बड़ा यह विकट स्थिति कि अगर नहीं मेंशन होता है तो उन लोगों का बड़ा नुकसान होगा या उनकी ख्याति जो है ईमानदारी वाली उस पर धब्बा लगेगा और मेरे लिए भी चैलेंज था। तो मैं विलम्ब हो गया तो जो उनके सारे अधिवक्ता लोग आए थे तो माननीय कोर्ट बैठ गई और नहीं मेंशन हो पाया। लेकिन मैं दोबारा जब घूम के आया तो सीढ़ी मिले और बताया कि भाई आपने तो मेंशन नहीं किया, हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी और मैं मेंशन करना चाहता था, सब कुछ लेकर तैयार आया था, लेकिन ऐड वक्त में आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है या वो मेरे हित में ही बता रहे थे, वो भी जो अपने नेताओं को जो सूचना बताए वो भी सही था कि नहीं मेंशन हुआ। लेकिन माननीय कोर्ट के सामने एक ही मैटर मेंशन था, लिस्टेड था, उसमें ललित साहब आर्डर डिक्टेट कर रहे थे। उसके बाद जब उठने वाले थे तब मैंने माइलाड बिहार के समाज काम के लिए समान वेतन से संबंधित जो केस था उसके बारे में बताया, तो उन्होंने चलते चलते कहा वेरी वेल नेक्स्ट वीक, और मैंने कहा था माइलाड वो शिक्षा मित्र लोग हैं तो उन्होंने कहा ठीक है वेरी वेल नेक्स्ट वीक। तो सर ऐसे में कई तरह कया सर ये लगाए जा रहे हैं कि वेरी वेल का मतलब कहीं ये तो नहीं कि सर अगले हफ्ता इसको देखेंगे या काम करना शुरू करेंगे या जजमेंट देंगे इस हफ्ते में, इसका मतलब ये लगाया जाए? सर देखिए, हम तो माननीय न्यायमूर्ति से जो कहे वो बात बता रहे हैं, अब उसका क्या इंटरप्रिटेशन अध्यापक लोग करते हैं वो मेरे सोचने समझने की क्षमताओं से परे है।
मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। वेरी वेल का आप कितना अर्थ लगाते हैं, वेरी वेल का आप गलत अर्थ लगाते हैं, मीठा अर्थ लगाते हैं, तीता अर्थ लगाते हैं, मैं आपके इस लोगों के इंटरप्रटेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब सर कहीं ना कहीं ये चीज़ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने जो मेंशन कर दिया ये कहीं ना कहीं उन शिक्षक संगठनों के लिए एक तमाचा जो कि पैसे लेकर शिक्षक गुमराह करते हैं और आपने इस काम को निस्वार्थ और एक तरह से उनके हित में काम कर दिया। देखिए जी, हम भी एक अध्यापक के लड़के हैं और एक अध्यापक के घर के महीना आने के वास्तविक स्थिति को हम जानते हैं। एक तो कम पैसा मिलता है और बहुत सी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मान सम्मान है, समाज है, और उसमें भी आपका कम वेतन मिले तो उस दर्द को मैं जानता हूं। मेरे पिताजी इंटरमीडिएट में मैथ के टीचर थे, फिर भी हम लोग जो शान शौकत से रहना चाहिए था उतना नहीं रह पाते थे अन्य लोगों के कंपेरिजन में। तो मुझे लोगों के लड़कों के शिक्षा दीक्षा के लिए मैं उनकी भावनाओं को जानता हूँ, और आपको 6 महीने तक इंतज़ार करना जस्टिस डिनाई, जस्टिस डिले या जस्टिस डिनाई का कॉन्सेप्ट है। तो आनंद मिश्रा जी संगठन के महासचिव हैं और हमारे संपर्क में लगातार रहते हैं बेचारे, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, बिहार के लोग ताक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बातों कीजिए। तो मैंने जो मेंशन किया, मैं आपके माध्यम से सम्मानित चैनल के माध्यम से, तो मैं किसी सूत्रों के हवाले से नहीं लिखा, मैं कोर्ट मास्टर के यहाँ नहीं गया, मैं किसी आदरणीय माननीय जज के साहब के ऑफिस में ट्रेस नहीं किया, क्लियर कर, मैं सीधे जाकर कोर्ट से पूछ लिया, उन्होंने वेरी वेल नेक्स्ट वीक कहा। अब इसमें उन लोगों को निश्चित रूप से जो वो लोग निरीह बेचारे अध्यापक थे जो उनसे बहुत अधिक मात्रा में चंदा वसूलते थे, हवाई जहाज़ से आते थे, बढ़िया होटल में रहते थे और फिर चले जाते थे, तो वो लोगों को बहुत दर्द है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये काम जो आपने किया ये बहुत ही बड़ा काम आपने कर दिखाया, जो कि बहुत बड़ा उन शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत की तरह है जो कि कई महीनों से इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसका फैसला आखिर कब तक आएगा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। और साथ ही सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं सर, कहीं ना कहीं वो इस पीड़ा को समझते हैं और आप भी समझ, आप एक अध्यापक के पुत्र हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे कि उनका जजमेंट में और कितना समय लग सकता है यहाँ से? अब वेरी वेल नेक्स्ट वीक हो गया तो कौन समय, उस पर दोबारा हम क्या बोलें? नेक्स्ट वीक का मतलब आज शनिवार है, हाँ जी, तो अगर मंडे को अगर जजमेंट आना है तो आज शाम को 7 बजे तक लिस्ट आ जानी चाहिए, नहीं तो अगर फ्राइडे का था, जिस दिन ये आएगा उससे आपको 12 घंटे 13 घंटे पहले आपको सूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे आ जाएगी, इसमें किसी की बात नहीं है। और सभी संगठन के लोग के जो एडवोकेट निकाल हैं ये बातें आपको दे देंगे। सर ये बताइए, जब आपने सर से बात की थी यूई ललित से, क्या उसमें मनोहर सप्रे सर भी वहाँ मौजूद थे क्या? जी, ये आप ऐसा प्रश्न क्यों करें, यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैम्बर कोर्ट जब बैठती है तो उसमें सिंगल जज होते हैं। अच्छा। बाकी कोई भी अगर कोर्ट बैठती है अच्छा। तो 2 न्यायमूर्ति उसमें बैठते हैं, 3 होते हैं 5 होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। तो है बिहार की जनता के लोगों, आप लोग किसी बात की खाल मत निकालिए, और आप अध्यापक हैं और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हम तो बहुत सम्मान करते हैं अध्यापकों को कि आप ही वो ऐसी कड़ी हो मानव जीवन में, जिस लड़के के दिमाग में एक कलम पकड़ने का भी ढंग नहीं होता उसको आप इतने अच्छे से पढ़ा लिखा देते हैं कि वो पुल बनाता है, अंतरिक्ष में जाता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, और आप लोग राष्ट्र निर्माता हो, और राष्ट्र निर्माताओं को बहुत उदारतापूर्वक आप बहुत बड़ा हृदय करके अपने साथियों के लिए, समाज के लिए, अपने वकीलों के बारे में सोचना चाहिए, न कि अपने निहित स्वार्थों के लिए आप लोग जो है किसी को बदनाम कीजिए। ये सत्य है कि हम अभी ग्रामीण प्रवेश से आए हुए अभी नए वकील हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और उस दर्द को जानते हैं कि लोग गरीबी क्या चीज़ होती है। सर ये फैसला किस प्रकार का आ सकता है बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए, क्या फैसला कुछ आप बता सकते, फैसला किस प्रकार का आएगा उनके लिए? देखिए 9 साल या उससे समय से आप लोग काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी 9 महीने चली, और 9 महीने में हम भी पूरे कोर्ट में खड़े रहे, खड़े रहे आप लोगों की बातों को लिखते रहे, तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता लोग अपनी बातें रखे हैं, पक्ष की बातें रखे हैं, और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने भी बहुत ही अच्छे से बहस की है, लेकिन तकनीकी बातें मैं आज आए हैं जानकारी लेने के लिए कि सदैव
सीनियर आपकी कोर्ट में नहीं रहते थे? अच्छा, मतलब सीनियर वकील कोर्ट में नहीं रहते थे मौजूद, आपका कहना? सदैव नहीं रहते थे, कभी कभी रहते थे। तो जब नहीं रहते थे तो उस समय जो जूनियर अधिवक्ता होता है किसी भी संघ का, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका लिखना पढ़ना, फिर उसी को ब्रीफ करना, फिर अगले दिन तब उसका वो जवाब देते हैं। तो उस पर लोगों ने, जो मैं समझता हूँ कई संगठन के जूनियर वक्ताओं से बात करता हूँ, तो बिहार के संगठन के नेताओं ने जो है उनके साथ न्याय नहीं किया है, असुस अन्याय में मैं भी शामिल हूँ। सर आपको पता है बिहार सर इतना बड़ा राज्य सर, वहाँ पे लगभग 2.5 लाख से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं, और वहाँ के सर तमाम इस टाइम लगभग 40-50 हज़ार शिक्षित युवा जो कि बीटेट सीटेट परीक्षा पास किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब फैसला आएगा तो हमारी बहाली होगी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी उम्मीदवारों से कि जो बीटेट सीटेट पास करके बैठे हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं? देखो भाई, मेरिट पे हम तो माननीय न्यायमूर्ति ने क्या लिखा है क्या लिखा ये नहीं पता किए हैं। हाँ, जो बहस हुई है और जो हमारे पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस किया है, विपक्ष के अधिवक्ताओं ने जो बहस किया है, उसके आधार पर हमें प्रतीत होता है कि हमारे हक में फैसले आना चाहिए। ना, हमारे हक में फैसला आएगा सर, और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि फैसला आने के बाद ही बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पुनः दोबारा शुरू की जाएगी। अब वो राज्य सरकार का है, यहाँ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कुछ करने के लिए, राज्य सरकारें दूसरा करना शुरू कर देती हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का केस के देख लीजिए। यस सर, उन्होंने कहा था भाई दो इनको अवसर दे दीजिए और टीटी पास करा के समायोजित कर लीजिए, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें क्या किया कि सुपर टेट लगा दिया, फिर रिटर्न टेस्ट लगा दिया। तो सरकार की जो मंशा होती है वो बहुत मायने रखती है। मतलब कि सर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी तक सरकार जो बात कह रही है सभी उम्मीदवारों की को कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आपकी बहाली नहीं करेंगे, लेकिन अगर फैसला आ भी जाए उसमें सरकार क्या परिवर्तन करेगी, सरकार की मंशा पर निर्भर करती है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, इस केस के लंबित हो जाने के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो थी बहुत डगमगा गई थी, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, और उनकी जो कोई एक दूसरे से जो नियुक्तियां हैं बहाली है वो सब नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी एकदम, काम रुका है। लोग शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग आराम से जो है लिट्टी या चोखा कहते हैं आप लोगों? बिल्कुल, लिट्टी चोखा सर बिहार का फेमस फूड है, खूब खा रहे हैं दोपहर में और बढ़िया से पंखा चला के सो रहे हैं। अच्छा, तो ये दर्द बताते थे हमको लोग। अच्छा, शालिग्राम दुबे वहाँ के एक हैं। अच्छा, तो वो हमसे कहते थे भाई आप गौरव जी इसको कीजिए, बहुत परेशान है शिक्षक। अच्छा, हमने कहा ठीक है आपको कह देते हैं, हमने किसी प्रकार कोई गलत काम नहीं किया है, आप उसको बता दें, जो जज साहब बताएं उसको कि इतना इशू आप लोग इस बात को ना बनाए, एक सामान्य सी बात थी और आप लोगों ने इसको तिल का ताड़ बना दिया। मतलब कि इस पर राजनीति ना किया जाए, जो होगा समय का इंतजार किया जाए, सब आपके सामने होगा। जी जी, एकदम इस पर राजनीति मत कीजिए, अगर जिन लोगों को राजनीति करना है वो अध्यापक स्कूल छोड़ के जाकर पजामा कुर्ता बढ़िया सिलाए, चुनाव चल रहा है चुनाव में लड़ लीजिए, आप सबको अपनी हैसियत का पता चल जाना चाहिए। सर, लेकिन अध्यापकों के साथ उनको किसी प्रकार का दिग्भ्रमित न करें। सर आप एक बात, ये क्या मामला सुप्रीम कोर्ट का भी उठा है कि बिहार में बहुत सारी सीट्स खाली हैं, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, और सर एक सबसे बड़ा मुद्दा आप भी जानते होंगे बिहार में बहुत फर्जी शिक्षक भी काम कर रहे हैं, किसी गलत तरीके से सिस्टम में आ चुके फर्जी शिक्षक, चाहे वो टीटी प्रमाण पत्र अवैध के साथ हो, तो सर ऐसा कुछ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा था क्या सर? अब समान काम समान वेतन में हम काम करें तो उसी पर कंसीडर करते हैं, अब कौन टीटी पास है, कोई हम वेरिफिकेशन ऑफिसर तो है नहीं कि जाकर वेरीफाई करें उस पर कहें, तो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है, उस पर मैंने कुछ कहूँगा। सर एक संदेश जो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक और साथ साथ बिहार के जो नौजवान हैं जो कि रोजगार की तलाश या फिर उनके अवसर की राह देख रहे हैं, जो बीटेट सीटेट पास, उन सब क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके मालिक ने आपको इतने दूर हमसे इंटरव्यू लेने के लिए भेजा, और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भाई न्याय पे आप विश्वास रखिए, सच्चाई की जीत होगी और आपके हक में ही कुछ न कुछ होगा, अच्छा होगा। दोस्तों ये थे हमारे साथ गौरव यादव जी, जिन्होंने कि आपने कल परसों एक वीडियो देखा था, उन्होंने इन केस का मेंशन करवाया जज के सामने, यू ललित सर सामने। दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो समय आ चुका है जब आपके घर में खुशियों की बौछारी होंगी और आपको आपका हक मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, साथ ही बिहार में पुनः बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी हमारे साथ है गौरव यादव जी, फिलहाल आपको इस चीज़ को देखने धन्यवाद, और आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।